मैं अभी थाने स्टेशन में हूँ। मेरे को बस में चढ़ने का है 10 नंबर में, और उसके लिए इधर इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। ये लाइन देख के ना मेरे को, मैं बस में जाऊँ सोच रहा था, लेकिन ये लाइन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। 10 नंबर में मेरे को जाना था, 10 नंबर में। हाँ, 10 नंबर में जाना था, लेकिन ये भीड़ देख के ना इतना लाइन, मेरे को लगा मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। थाने स्टेशन का डोम में हो गया, चढ़ने को मिलेगा नहीं। उसके लिए मैं अभी है ना, अभी ऑटो में कर ऑटो करके जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर किधर से चढ़ने का वो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा। 10 नंबर काउंटर में ना आ रहा ही नहीं बस, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बस ढूंढते ढूंढते बस मिला नहीं, अभी मैं ऑटो ढूंढ रहा हूँ। अगर ऑटो मिलेगा तो मैं ऑटो के इंतज़ार में हूँ, लेकिन ऑटो भी आगे मिलेगा बोल के रुक रहे हैं, और देखते हैं। 7 किलोमीटर है नज़दीक है, तो मैं चल के भी जाता था, थोड़ा ज़्यादा है, चलते चलते पांव दर्द हो जाएगा, इसके लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी ऑटो ढूंढता हूँ, ऑटो मिलता है तो ऑटो देखता हूँ। अभी जोर का बारिश आ गया, इसके लिए मैं अभी थोड़ा रुका हूँ। देखो बारिश के टाइम में देखो कब कैसे लेके जा रहे हैं, कितना वैरायटी का सफर है, वैरायटी का सब्जी दिख रहा है इधर। अभी बारिश आ गया ना, और मैं ऑटो के लिए बैठा हूँ, ऑटो ढूंढ रहा हूँ इधर, ऑटो भी नहीं मिला है। बस का ट्राई किया था, बस नहीं हुआ ट्राई, आधा घंटा मैं घूमा, उधर जाने के लिए बस ही नहीं मिला। और उसके बाद अभी ऑटो ढूंढ रहा हूँ, ऑटो भी नहीं मिल रहा है, अभी देखता हूँ। मैंने तो अभी बारिश आ गया, और इसके लिए अपना वेट कर रहे हैं। मेरे पास की है ऐसे तो है मेरे पास, थोड़ा देर में जाऊंगा। अभी मैं खाने में खाने स्टेशन से मैं 40 रुपीज़ में मैं इधर आधा रास्ते में आया, अभी इधर से मैं वो बनने के लिए जा रहा हूँ। उपवन लेक में पहुंच गया हूँ, देखिए इधर पहाड़ है और इधर पानी, पानी तो सूख गया है, इतना पानी है नहीं, पानी नहीं है अभी, और इतना आदमी भी नहीं है अभी, खाली खाली, क्योंकि सुबह का टाइम पहुँचा है ना, इसलिए खाली खाली। मैं अभी उपवन लेक में आया हूँ, साइड में उपवन लेक है, ज़्यादा पानी नहीं है अभी, और थोड़ा पानी है, बारिश की वजह से ना इधर कोई आदमी भी नहीं है। और इधर थोड़ा देर बैठा मैं, और बैठने के बाद इधर नज़दीक में इधर पहाड़ है, इस साइड में ना, इस साइड में पहाड़ है, इसका टॉप उधर है, इधर से 4 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा में पहुँचूँगा ऐसा गूगल मैप दिखा रहा है। और मैं मामा भांजा पहाड़, मामा भांजा हिल की तरफ जा रहा हूँ अभी, रोड से होके मामा भांजा हिल। मैं अभी मामा भांजा पहाड़ हिल है उसका नीचे पहुँच गया हूँ,
इधर है ना ऊपर दिख रहा है, ये माँ गंगा हिल स्टेशन है ऊपर टॉप में। मैं तो इधर पहुँचते पहुँचते थक गया, अब उधर पहुँचने के मेरे को कितना टाइम लगेगा मालूम है। अभी पहाड़ चढ़ना बहुत है और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इधर सब गाड़ी खड़ा करके रखा है। पहाड़ दिख रहा है इधर, पहाड़ है उधर टॉप में, एक थोड़ा घर छोटा सा घर जैसा दिख रहा है, ऊपर पहुंचना है। देखते हैं, ट्राई करता हूँ। माँ वंजा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम लोग और आधा रास्ते में पहुँचे हैं। इधर सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, मोबाइल में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन आँखों से ना बहुत अच्छा व्यू है। अभी हम इसके टॉप में पहुंचने वाले हैं, एक घंटे में हम उसको टॉप में, उधर एक पतरा दिख रहा है उधर पहुंचने वाले हैं। भैया हम कब तक गए थे इधर? अभी मैं थाने का मामा भंजा माउंटेन में चढ़ रहा हूँ, मामा भंजा पहाड़ में। उपवन लेक में घूमने के लिए आया था, उपवन लेक से फिर नज़दीक का ये माउंटेन देखा तो मैंने सोचा इधर आ जाऊँ, तो मैं 4-5 किलोमीटर चल गया इधर पहुँचते पहुँचते और अभी पहाड़ के करीब करीब आधा में पहुँचा हूँ। और रास्ता देखो, ऐसा रास्ता है, इस रास्ते से होके मेरे को जाना पड़ेगा। माथेरान में गाड़ी का सुविधा है, इसके लिए उधर थोड़ा ईजी था। इधर पूरा रास्ता ना सब पैदल ही चलना है और रास्ता बहुत स्टीप है, ये देखो ऐसा चढ़ाई वाला रास्ता है। और पसीना से पूरा भीग गया और बैठ के पानी पी के आ गया, चल रहा हूँ। सुबह आया था मैं, मेरे को 4-5 घंटा हो गए अभी तक पहुँचा नहीं, क्योंकि थाने में मेरे को थोड़ा लेट हो गया बस पकड़ने के लिए, बस तो मिला नहीं, लास्ट में ऑटो करके आया। ऐसा 2 बार ऑटो चेंज करना पड़ा इसलिए मेरे को लेट हो गया। अरे वाह, ऐसा रास्ता कठिन है, कठिन रास्ता है ये, लग रहा है माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ मैं। घूम घूम के अब इधर आ गया था, अब इधर घूमना है। देखिए रास्ते में इधर से टॉप दिख रहा है, इधर से ऊपर टॉप दिख रहा है और ये साइड में बहुत अच्छा व्यू, पूरा सिटी मुंबई सिटी थाने बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है आँखों से। पहाड़ के ऊपर से आपको थाने का व्यू देखना है तो देखिए इधर थाने का नज़ारा, इतना क्लियर नहीं है फिर भी। रास्ता बहुत घुमाटा है और स्टीप है, पूरा ऐसे चढ़ना पड़ा है ऐसे। बादल लगा हुआ है ऊपर, सीधा पहाड़ इधर से जाएगा टॉप में, सीधा टॉप में जाएगा इधर से। जितना ऊपर जाओ पीछे का सीन है ना उतना अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओहो इधर से लाइट आ रहा है ना, इसके लिए इतना क्लियर नहीं है लेकिन नज़रों से क्या सीन है,
ऐसा सीन देखने के लिए ना प्लेन में चढ़ना पड़ेगा। इधर मामा भंजा पहाड़ में चढ़ लो, प्लेन में चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक घंटा चलने के बाद रास्ते में टॉप में पहुंच ही गए और नीचे के नज़ारा देखो। इस साइड से नहीं आया था, क्या हवा है, ऐसा हवा आ रहा है, देखिए पूरा ठंडा हवा। थोड़ा सा बारिश भी हो रहा था रास्ते में, फिर मन हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं है और धूप भी नहीं है। ऊपर पहुँचते ही पूरा रिफ्रेश, शहर की आवाज़ इधर नहीं है, इधर नेचुरल ब्यूटी है। वो साइड में भी एक हरी झंडा दिख रही है, ये हजरत राजा का हरी झंडा दिख रही है। तो अभी अच्छा हवा चल रहा था, वो देखो कैसा हवा आ रहा है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। अरे बहुत बड़ा हवा आने लगा और बारिश भी होगा, छतरी भी ओढ़ने के लिए इस हवा में तो होगा नहीं। अभी मैं पहुंच गया थाने का मामा भंजा हिल के टॉप में, इधर थाना इस साइड में दिख रहा है और इधर इस साइड में दिख रहा है मामा हिल स्टेशन और इस साइड में भंजा हिल स्टेशन। और इस साइड में तालाब दिख रहा है, उधर से मैं चल के आया था और ये पहाड़ में हो कि अभी इस साइड पहुँचने के लिए 2 घंटा लगा। और इधर ये साइड से ना पूरा बारिश आने चालू हो गया, बहुत बड़ा बारिश आ रहा है, रुक रहा है। वो पहाड़ सब दिखना बंद हो गया, अभी सब बादल ने ढक लिया। बारिश हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, थाना सीढ़ी सब बंद हो गया, बादल हो गया, नीचे ढक गया और ये भांजा पहाड़ भी बंद हो गया, नहीं दिख रहा है, ये साइड भी नहीं दिख रहा है। अभी बहुत देर से हम लोग इधर रुके हुए हैं, बारिश कम नहीं हो रहा है और ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है नज़ारा, सिर्फ हम लोग ऐसे खड़े हैं। इधर जाने के टाइम में ना पिछल जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, ऐसा रास्ता हो गया। देखो मामा भंजा पहाड़ से नीचे उतर गया हूँ, अभी इधर पहुँचा। जाने के टाइम में 1 घंटा करीब लगा था, आने के टाइम में भी 1 घंटा लगा और 1.5 घंटा हम ऊपर बैठा मैं ऐसे। और इधर देखो ऐसा, अभी तो बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इधर पूरा खुला मौसम है, घना जंगल, ग्रीनरी बहुत अच्छा है। और पहाड़ से नीचे उतर गया, पाँव में दर्द होने लगा है मेरा। आज की ताजा खबर, देश भर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों की मौत।